जो गरीबों का पैसा पड़ा हुआ था खातों में वो मोदी जी ने गायब कर दिया कोई बात नहीं है अल्लाह सवा सवा लाख लाख वोट थे ये ये आ, वो हारे थे जब अपने इलाके से आ रहे थे यहाँ से नहीं आ रहे थे यहाँ तो नहीं आ रहे थे मुसलमानों ने वोट सलमान ने वोट दिया है। आपने बीजेपी की बात नहीं की नहीं बीजेपी का तो कुछ है ही ना ना ये तो समाजवादी की है पूरी मंडल समाजवादी का क्या कह रहे थे तो यहाँ सब है हिंदू मुस्लिम एक है सरकार से कोई मदद नहीं है और कोई हमें नुकसान भी नहीं है आपको भी लग रहा है किस्मत से जीतेंगे या वोटों से वोटों से जीता जाता किस्मत से नहीं जीता जाता तो है वोटों से जीता जो योगी जी है अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे

समाजवादी पार्टी ने संभल लोकसभा से 2024 में चुनावी मैदान में उतारा वो एमपी बने तो उनकी कुंदर की सीट जहाँ से वो विधायक थे वो खाली हो गई वहां पर अब की बार विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव कई मायनों में बहुत बदलाव लाने वाला है बदलाव ऐसा कि सीट पर जो मुसलमान और हिंदुओं का अनुपात है वो साठ और चालीस का है और यहाँ पर बीजेपी बड़ा दावा कर रही है कि वो इस सीट को जीत कर दिखाएगी यहाँ पर अब की बार समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान जो पिछले तीन बार विधायक रह चुके हैं प्रत्याशी बनाए गए हैं और बीजेपी ने यहाँ पर दांव खेला है ठाकुर रामवीर सिंह के ऊपर जो कई बार चुनाव तो लड़े लेकिन कभी जीत नहीं पाए तो ऐसे में कुंदरकी का चुनावी हाल क्या है ये बताने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग यहाँ सड़क किनारे खड़े हुए हैं चाचा क्या नाम है आपका इंतजार अली तो इंतजार साहब चुनाव आ आगे आपके यहाँ फिर चुनाव है वो साल में तीन तीन बार चुनाव हो रहा है जी अब वो जियाउल रमान एम पी बन गया विधायक हाँ। समाजवादी के तो तो अब हाजी रिजवान हुसैन आ गए वो विधायक बन जाएंगे आपने बीजेपी की बात नहीं की नहीं बीजेपी का तो कुछ है ही ना ना ये तो समाजवादी की है पूरी वनवाज मंडल समाजवादी का यहाँ तो कुछ है ही नहीं काम ये कहा जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो सत्ता का होता है सरकार का होता है सत्ता का कोई बात ना इसमें पब्लिक है वोट डालती है तो पब्लिक अपने ना आप डालती है कोई सत्ता वाले थोड़ी डाल के डाल देंगे सत्ता का कोई वोट ही नहीं पड़ेगा सत्ता का वोट ही नहीं ना, ये तो पब्लिक वाले डालेंगे ये पूरा वर्ल्ड ही पूरी समाजवादी का पूरा इलाका ही समाजवादी का अब बीजेपी ने ये कहा जब नोटबंदी हुई थी जो ये पल्स वाले थे जो गरीबों का पैसा पड़ा हुआ था खातों में वो मोदी जी ने गायब कर दिया आज लग ना मिला जो रक्स वाले ये ट्री वाले चला रहे जो छह सौ रूपए महीने जमा कर रहे थे तो ये बिल्कुल भी ना पैसा मिला की आगा आगा काला धन आगा कहाँ सा गरीबों का एक पैसा भी ना मिला वो खा गए मोदी जी हमारा तो मोदी जी पैसा खा गए और अरे है वो पल्स का पैसा जो गरीबों का पड़ा था हमने अपनी बेटी के लिए डाला था अच्छा पल्स जो यहाँ पर एक कंपनी थी जो आ, पैसा लेकर जब ये नोटबंदी की तो मोदी जी गए काला धन काला धन तो वो चक्कर में पैसे खत्म हो गया था तो मोदी जी के कब्जे में बैंक तो सब हाथ में थी अब मोदी जी का क्या लेना था नहीं तो पैसा तो गरीबों का लौटाते ना ये जब प्रधानमंत्री है देश के प्रधानमंत्री है तो उनकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी है नहीं यार तो गरीबों का पैसा लौटा दी पैडिल वाले रक्से चले उस बगल छह सौ पचास रूपये जमा करे हम हर महीने तो वो खत्म कर दिया मोदी काम करते हैं आप वही रिक्शा चलाते हैं जी सियासत की बड़ी समझ है आप अरे इतनी उम्र आ गई हमने तो यही देखा समाजवादी वर्ल्ड पहले भी हाजिर रिजबान कई बार विधायक बन चुके पहले कुछ बदला भी है यहाँ पर ना कुछ नहीं बदला कुछ नहीं बदला अच्छा एक बात बताइए कि जो योगी जी हैं अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे वो तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कोई उनको हिंदू मुसलमान हाँ यहाँ कुर की मैं ऐसा कोई बात ना की तो एक तरबा ही काम समाजवादी का काम चाहे जोर लगा लो पुराने <laughs> नेता हैं आप समाजवादी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हम तो मजदूर आदमी हैं क्या कह रहे है यहाँ सब एकता है हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे एक है कोई अलग नहीं है अलग के चक्कर में वो नहीं है हिंदू मुस्लिम सब एक है यहाँ सब एकता है कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं सब एक इतनी बात कहने आए थे आप आपके जवाब दिया मैंने अरे तो एक मिनट खड़े तो हो जाइए मुझे ये बताओ तालीम के लिहाज से विकास के लिहाज से तरक्की के लिहाज से पिछले पांच दस सालों में क्या बदला या? या, कुछ बदला है वो नहीं भी बदला क्या नहीं बदला अब जैसे विकास है विकास कुछ नहीं है सिर्फ वही बातें हैं जो पिछली बातें थी हिंदू मुस्लिम और यहाँ पे हमारे क्षेत्र में क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सब एक हैं कोई अलग नहीं ये तो बात हर पूरे देश में कही आती है कि हिंदू मुस्लिम एक है हिंदू हाँ, मुस्लिम एक है और जब माहौल बिगड़ता है तो कभी बहराइच बन जाता है कभी कोई सा तो, बन जाता तो, है तो बनाया गया ना बनाया गया उसे अब एक झंडा उतारा हरा फिर झंडा ला दिया तो वो मौत उनका बना हुआ वहां पे यहाँ पे नहीं है ऐसा माहौल बनाया गया बनाया गया वहाँ पे मौसम ये तो बहुत बुरी बात है किसी का झंडा उतारना वो आप भी आपकी मीडिया से हमने हमने आपकी मीडिया से देखा हमने कि झंडा उतारा फिर लाया तो उसी मार दिया झंडा उसी गोली मार दी तो ऐसी मानसिकता के कु कुरकी में नहीं रहते नहीं 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 यहाँ लेंगे यहाँ लेंगे लेंगे ठीक है पे हाँ, एक दो है तो हम सबर कर लेते हैं क्योंकि कंडो कहते हैं एक दो है वो चल रहे हैं तो वो खामोश हो जाते हैं बस अच्छा ये तो बता दीजिएगा कि जो ठाकुर रामवीर सिंह है पिछली बार कई बार चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए उम्मीद है कुछ हाँ उम्मीद है बस ये नशी बात है बातें उम्मीद है नहीं भी मुकदर है, मुकद्दर है हाँ, पब्लिक उनके साथ है और में है कि और जल्दी में हाँ। कोई नहीं ठीक नहीं। है आ, आपका क्या नाम है मेरा यामिन क्या काम करते है? थे थे चलाते हैं रिक्शा चलाती तो है गुजारा हो रहा है ठीक है चल रहा है बाल बच्चे पढ़ रहे हल्के से बोल रहे हैं दोस्त ऐसी हल्के नहीं सही बोल रहा हूँ हो जाता है इतना पैसा पैदा कर लेते हो जो बाल बच्चे पढ़ जाएं लिख जाएं ठीक बेहतर ही है सही है सरकार से कोई मदद सरकार से कोई मदद नहीं है मगर कोई हमें नुकसान भी नहीं है ना फायदा ना नुकसान चुनाव किसका चुनाव मैदान में उतर हुए पार्टी है दोनों बेहतरी तो यही है कि लंबर एक पे, पे, पे मान के चलो समाज वाली पार्टी ही चलती है वैसे जो बेहतर करेगा वो जीतेगा बेहतरी की उम्मीद किससे बेहतरी की उम्मीद तो ऐसे मान लो है तो समाज पार्टी की ज्यादा ही जोर रहता है और बाकी तो ऐसा दो ही पार्टी आमने सामने है जगह बाकी तीसरी पार्टी का कोई नहीं है बसपा कहीं नहीं है है नहीं नहीं है नहीं किनारे कर दिए हमने नहीं की मतलब जब आते नहीं वोट ही नहीं मिलते उनको अब इस जगह या तो बीजेपी का रोला है और या फिर समाजवादी का रोला जब वोटी पब्लिक नहीं दे रही तो बहन जी को कोई ऐसा मान के चलो वोट पब्लिक देगी तो ही तो बहन जी आगे बढ़ेंगे दलित जो है वो क्यों भटक रहा है बहन जी से अब ये तो उनको ही पता होगी क्या बेहतरी है वो जानते हैं इस चीज़ आप जब देख रहे हो दोनों पार्टियों को तो वो किनारे वाली पार्टी किनारे कैसे चली गई ये तो बताओ क्या अब ये तो दलितों को पता होगी कैसे क्यों किनारा किया है उन्होंने क्यों नहीं किया है आपका क्या नाम भाई साहब महमूद महमूद भाई इन्होंने तो बहुत गहरी बात बता दी कह दिया कि बसपा किनारे है और बहन जी तो एक्टिव हैं ऐसी बात थोड़ी है कि वो किनारे लग गई हैं नहीं ये है क्या चुन लिया लोगों ने अपने कुछ बीजेपी में चले गए हैं कुछ समाजवादी में आ गए हैं उस पार्टी का यहाँ कोई वो नहीं रहा खत्म खत्म से चेयरमैन भी लड़ने नहीं चाहता कोई यहां से मेंबर भी नहीं लड़ता कोई गली का पहले तो कहीं कहीं करोड़ देखे टिकट लेकर आते थे तो चला गया वो दौर वो दौड़ दौड़ की बात होती है सचकुंच किसका दौर इस टाइम तो बीजेपी का बीजेपी का दौर है बिल्कुल क्या क्या आपके शहर में उन्नति की है तरक्की की है बीजेपी यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये मुलाजी जो बोल रहे थे अभी इनके परिवार में कई कॉलोनिया ली है सरकारी पीएम आवास बीजेपी की जो सरकारी योजना है सरकारी कॉलोनियों की वो इन्होंने खूब ली है और पहले जो कच्चे मकान थे कड़िया थी टपकते थे वो आज सारे पक्के हो चुके हैं ये है और वैसे भी अब उज्ज्वल योजना का सिलेंडर है हर परिवार में दो सिलेंडर आ रहे हैं होली दिवाली पे फेरी अच्छा हिंदुओं को भी मिल रहा है मुसलमानों को भी मिल रहा है वो फिर और भी सुविधा जो है सब मिल रही है राशन मिल रहा है हर चीज मिल रही है तो आपके हमारा तो बीजेपी को लड़ाने का प्लान पक्का इससे पहले इससे पहले समाजवादी को लड़ाते थे लेकिन ये कड़बी हकीकत है कि इधर जो इलाका है ये पूरा ये मुस्लिम बाहुल इलाका है यहाँ पर ज्यादातर जो जीत होती है वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के की होती है हाँ वो होती है लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं है कुछ भी मुसलमान बट रहा है बट रहा है जहाँ जो सहूलियत देख रहा है ना अपनी वो वहीं जा रहा है सहूलियत तो पिछले कई बार से है कहाँ थी कई बार से कई बार तीसरी बार तो मोदी जी आ गए ये है कि देखो इस बार का तो माहौल हमें चेंज लग रहा है वैसे बाकी तो कह नहीं सकते अच्छा कितना चेंज जाएगा ये तो बताओ उम्मीद है कि निकल जाएगी अब पे बीजेपी यहाँ से, बीजे से। इतिहास बना पक्का पक्का बिल्कुल देख चुनाव होगा निष्पक्ष होगा चुनाव होगा निकल जाएगी बीजेपी की सरकार बनवा रहे महबूब भाई सही कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं बनेगी सारा लाभ नहीं है लोगों ने क्या? सरकार बनेगी सरकार बनेगी हाजी रिजवान अब की बार हाजी इतिहास हो जाएंगे कुछ ना अच्छा ये बदलाव की वजह क्या है अब वजह क्या है कि हमारा चेयरमैन भी चला गया उसमें कौन चला गया चेयरमैन अच्छा वो भी आ गया फोर्ड में वो बीजेपी में चले गए बीजेपी में उनके साथ ही जो जाएंगे साहब की वो पूरी में ज्यादा है कौन सी बिरादरी खान खान साहब साहब और ये जो तुर्क हैं ये अस्सी हजार के आसपास तो, तो कोई चेयरमैन ही में तो कोई वो नहीं है लेकिन जो चेयरमैन है वो खान साहब है वो बीजेपी में जा चुके हैं उनके पीछे काफी वोट है करीब कितने करीब बीस हजार वोट तो है उनके पीछे है अच्छा तो बीस हजार वोट अगर मुसलमानों के बीजेपी को मिल जाएंगे तो कैंडिडेट जीत जाएगा पक्का रामवीर सिंह का पहले भी अच्छा रहा था इनका फिर इन्हें बीच में टिकट नहीं मिला जी चार पाँच हजार से हार जीत होती है मेरे इलेक्शन में अच्छा यहां पे पिछली बार जो हाजी जीते, जीते थे पांच हजार वोटों से जीते थे बार मामला मजबूत है हाँ भाई देखो किस्मत खुल जाए तो सही है ना तो कोई बात नहीं ना तो कोई बात नहीं <laughs> अरे जोर हल्का क्यों लगा रहे हो अरे जोर हल्का आवाज बैठ बैठा आ, क्या कह रहे हैं चिछा? मैं कह रहा जोर से जोर लगाओ कह रहे हैं कि जीत है तो ठीक है नहीं तो ना तो किस्मत, किस्मत आपको भी लग रहा है किस्मत से जीतेंगे या वोटों से वोटों से जीता जाता है किस्मत से वोटो से जीता जाता उनका रुख क्या लग रहा है वोट तो गो है बीजेपी की तरफ की तरफ अभी मुल्ला जी बड़ा जिता के गए यहाँ पे अभी सपा क्या तो हर इंसान हर तरह की बातें करता है ज्यादातर तो माहौल बीजेपी का ही है यहाँ पर और फिर हमारे मेहंदी चेयरमैन साहब कु में बीजेपी में भी आ चुके हैं वो तो इस वजह से हमारी जो बिरादरी है साहब तो क्या नाम है हम सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इधर तो बदल गया माहौल कह रहे हैं कि बीजेपी में चले गए मेहंदी साहब तो अब बीजेपी के कैंडिडेट के को मजबूत करेंगे बेहतर तो यही रहेगा क्योंकि अभी सरकार के तीन साल हैं कम से कम थोड़ा विकास तो होगा भाई विकास तो करेंगे ना करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है यहाँ से तो तीन साल बेखोब विकास होगा विकास होगा तो, अच्छा आपको लगता है कि अगर बीजेपी नहीं जीतती तो विकास का पहिया रुक जाएगा बिल्कुल रुक जाएगा हुआ ही ना पुनः की विकास हुआ ना और अगर ये सीट बीजेपी को जाती है पक्का पकास होगा क्या बदलाव की उम्मीद आप लगाए हुए सरकार है सत्ता में है सत्ता पक्ष में तो काम हो रही है विपक्ष में कौन सुनता कौन किस को तो सत्ता पक्ष की बात करो ना हम तो ये बता रहे थे कि अभी जो मेहदी साहब है वो खान बिरादरी से हैं तो इसलिए उनका जितना वोटर है वो सब चला जाए। तो उनका फैसला सही था सही है उनका फैसला उन्होंने सही फैसला लिया वक्त के हिसाब से मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ तो नहीं गए इधर आजम खां का देखा हो इसलिए तो ना, 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 नहीं कोई नहीं। 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 नहीं भी चाहिए, चाहिए।, चाहिए। बदलाव की तरफ जाना चाह रही है और वो ये चाह रही है यहाँ विकास हो ये कुछ नहीं कि बीजेपी या इस समय लोगों को लग रहा है की हाँ बीजेपी की सरकार है सत्ता में है तो ये जो दो ढाई साल हमारे बाकी हैं इसमें हमारे क्षेत्र में कुछ विकास हो जाएगा बाकी ऐसा नहीं है कि हाँ हम कोई डर के या किसी के दबाव में मतलब हम किसी के दूसरे के साथ में जाना चाह रहे हैं और अभी ऐसा भी नहीं है कि कोई साहब इलेक्शन में कोई सिक्सटी फोर्टी हो गया हो फिफ्टी फिफ्टी है बाकी अभी जब पत्ते खुलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि हाँ वोट तो सिक्सटी फोर्टी है नहीं सर वोट सिक्सटी फोर्टी है लेकिन अभी इलेक्शन कुछ लोगों की अपने अपने सोच है अपनी अपनी मत है कि हाँ हम ये चाह रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए या हमारे चेयरमैन साहब के बीजेपी में पहुंचने से एक तरफा हो गया इलेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी में भी अंदर खाने फूट है जो टिकट को लेकर के रही है थोड़ा सा बताओ डिटेल में यार जैसे कि क्या बोलते हैं हमारी जो जिला चेयरमैन है वो भी अपना मतलब टिकट चाह रही थी हमारे जो पिछले कैंडिडेट जो हमारे गुरेर के हैं वो भी अपना टिकट चाह रहे थे बीजेपी के लिए लेकिन उन्हें नहीं मिला तो अंदर खाने बीजेपी में भी फूट है ऐसा नहीं है कि साहब मुसलमान ही मतलब कुछ बीजेपी से जुड़ गया है चले गए तो ये कोई पक्की बात नहीं नहीं सर इसमें कुछ नहीं कह सकते अभी अच्छा ये बताइए कि जो अखिलेश यादव रोज सरकार पर निशाना साधते हैं तो आप क्या मान रहे हैं उनकी जो पॉलिटिक्स है वो किस ओर जा नहीं सर चाहे वो अखिलेश यादव हो ओवैसी साहब हो या और भी हो वो राजनीति समझ में आती है लेकिन बीजेपी की राजनीति कोई राजनीति में राजनीति नहीं है हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो ये राजनीति करते हैं जहाँ दो महीने क्या बोलते हैं सड़कें बंद रहेंगी कांवड़ियों को लेकर के और वहाँ दस मिनट में नमाज के लिए अगर सड़क पर अगर क्या बोलते हैं नमाज पढ़ लेंगे तो वो तमाम मतलब उसे वा वा लाते मारी जाएंगी पुलिस प्रशासन उन पर दंगा करेगा तरह तरह के मतलब उपद्रव मचाए जाते हैं कहना है कि ये भेदभाव है भेदभाव है बीजेपी की राजनीति जो है भेदभाव की तरफ है हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी क्या बोलते कोई कोई भी नीति या कोई भी वो लेकर आती है तो वो जो है मतलब किसी एक के लिए नहीं है मुसलमान भी वही लेगा हिंदू भी वही लेगा सरकार की कोई योजना होगी कोई सबको कोई मिले है। लेकिन ये जो राजनीति है कि हाँ हिंदू मुस्लिम को लेकर के नेता तरह तरह के बयान दे देते हैं हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ, मतलब शान में गुस्ताखी कर देते हैं ये लोग तो ये बीजेपी की जो राजनीति है हम एक तरीके से कहें गंदी राजनीति है लेकिन वोट अगर देना हो नहीं वोट तो सर अभी कुछ नहीं कह सकते इलेक्शन फिफ्टी फिफ्टी है और जब क्या बोलते हैं अभी इलेक्शन में टाइम है लोगों को लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा मजबूत है बीजेपी क्योंकि टिकट ठाकुर रामबीर सिंह को हुआ है जो कि मुस्लिम में भी पकड़ रखते हैं है हाजी रिजवान है मजबूत हाजी रिजवान साहब का अपना ही एक क्या बोलते हैं खुद में एक चेहरा है और वो क्या बोलते हैं काफी मजबूत स्थिति में है और नहीं है मजबूत हाजी रिजवान मजबूत नहीं है, नहीं है। ना... क्यों कमजोर कैसे हो गए क्यों कमजोर हो गए उन्होंने क्या क्या मैं हाँ एक साल दसियों बीसियों साल हो गए हाज न माए तो राजनीति रहेगी राजनीति कुंदर में भी कोई है ना है अगर रामवीर आ, आ भी गए हमारे तो हमें कोई परेशानी हम वोट देंगे को वोट देंगे हम क्या नाम है आपका मेरा सलीम खान नाम है एक बार फिर से बताओ बार भी हमने उसे वोट दिया था रामवीर को वोट रामवीर को दिया था हार गए थे लेकिन हार गए तो हार जान दो कोई बात नहीं है आगे अल्लाह एक सवाल लाख वोट ले लिए थे फिर ये क्या लाख वो हारे थे जब अपने इलाके से हारे थे यहाँ से नहीं हारे थे यहाँ नहीं आ रहे थे मुसलमानों ने सलमान ने वोट दिया हारेंगे उनका अपना इलाका ही कमजोर रहता है आपका क्या नाम भाई साहब मस्कूर मस्कूर भाई इधर फिफ्टी फिफ्टी और इधर रामवीर के समर्थक मुसलमानों में क्या सिनेरियो बदला हुआ देख रहे हैं सर मतलब हमारे यहाँ ज्यादा तो बीजेपी का हिसाब से समाजवादी पार्टी का साथ जलते रहता अगर बीजेपी को अगर वोट दे भी देगा मुसलमान तो उनका मान्य नहीं होता नहीं जाएगा नहीं चीज ना मुसलमानों का दिल फिका है मानते ही ना समझे कितने ना भी दे लो लेकिन जुमला वही सुनना पड़ेगा कि पटोगे तो कटोगे इनके ये योगी का वो बोल यही अच्छा लगा ये अरे ये फटाव कर रहे हैं बीच में मुसलमान के और हिंदू के अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी इन लोगों ने क्या एक को एक काट लोग है का लो। हिंदुस्तान का मतलब सही नहीं है साहब बहुत मसला खराब बता रहे हैं, रहे हैं हैं कह कि बीजेपी नफरत, नफरत पैदा करने वाली अब जैसे कि मैं आपसे आपके सवाल से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा जो आपने शुरुआत में लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया था पहला कमेंट ये आपने उपचुनाव है और सत्ता के प्रभाव में चलता है क्या तो जैसे कि कल सोशल मीडिया से इस समय के हाजी रिजवान साहब जो तो प्रत्याशी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए यहाँ के प्रशासनिक अमले के ऊपर उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अमला मतलब वोट डालने से रोक रहा है जबकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वोट ज्यादा से ज्यादा डाले जाए डाले जाए तो उन्होंने ये कल गंभीर आरोप लगाए हैं क्या प्रशासनिक अमला उन्हें वोट डालने से पब्लिक को गलत नहीं थी आप रामपुर का चुनाव भूल गए क्या जी तो मैं ये कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए क्या उनकी बातों में सत्यता है या बेस आधार बातें अगर सत्यता है तो उस पर कार्रवाई हो अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो आप ये मान के चल रहे हैं कि जो सत्ता है वो अपने सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है चुनाव में ना मुझे ऐसा नहीं लगता लेकिन हाँ सत्ता पर प्रभाव पर रहता है कुछ मामला लेकिन इतना नहीं रहता अगर इंस्पेक्टर साहब पे गंभीर आरोप लगे तो मैं चाहता हूँ इसकी जाँच की जाए आपको क्या लगता है कि चुनाव के अब की बार यहाँ नतीजे क्या रहने वाले हैं जबकि ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के प्रभाव की समझी जाती जैसा कि यहाँ लगातार समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए हैं लेकिन इस बार मैं मैं हालांकि राजनीतिक में इंटरफेयर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं किसान कार्यकर्ता हूँ भारतीय किसान का कार्य करता आप तो बड़े मजबूत हो गुरु कैसी बात कर मजबूत नहीं है हम किसी पार्टी का समर्थन भी सत्ता हो आप सबके सामने गन्ना लेके पहुँच जाते हो। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते नहीं किसी पार्टी का हम दुष्प्रचार करते हम अपने हक के लिए किसान नहीं करते समर्थन टिकत समर्थन किसी का नहीं करते नहीं करते सिर पे हाथ तो सबके रख दे सब हाथ पर आशीर्वाद तो देना किसी को दे दो लेकिन हमारी हमारा संगठन किसी को राजनीतिक मंच पकड़ोगे हम किसी समर्थन नहीं करते हम अपने हकूक के लिए लड़ते हैं किसान के लिए लड़ते हैं हम यही चाहते हैं यहाँ का जो विधायक बने वो ऐसा विधायक बने जो किसानों की बात आम मजदूरों की बात गरीबों की बात इन दोनों में से कौन समझ आ रहा है देखो तो इस बार कुछ परिवर्तन है ये बात मैं मानता हूँ परिवर्तन कैसा परिवर्तन है क्योंकि यहाँ का जो मुस्लिम समाज है हालांकि ठाकुर रामवीर सिंह साहब से पहले से मुसलमानों की पकड़ रही है पहले से पकड़ रही है पिछली बार भी अगर आंकड़ों बजाओ तो लगभग बीस तीस हजार वोट लिए थे उन्होंने लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में वो अपने क्षेत्र से हारे इस बार संख्या बल कुछ ज्यादा दे रहा है किस आधार पर है क्योंकि उनके कुछ काम भी ऐसे है और कुछ सत्ता का असर भी है अभी दो ढाई साल बाकी भी है तो हो सकता है लोग तड़के मारे या उनके गुणों के आधार पर वोट दे रहे अलग भी से लेकिन इस बार उनका आपका उस्ता... क्या नाम भाई साहब अर्जुन आगे आ जाओ आगे आ जाओ बड़ी तल्लीनता से बड़े सुकून से बात सुन रहे थे आप

अब लोग चाहेगी तो मुसलमान चाहेगा तो जीतेंगे हाँ जीतेंगे मुसलमान चाहेगा तो जीतेंगे और क्या चौसठ साठ का मामला है तो चुनाव तो तो अगर मुसलमानों के ही दम पर चुनाव जीता सकता है अब उसके लिए, तक उसके तक तक लिए तक लिए ठाकुर रामवीर सिंह जी थे हालांकि बीजेपी के कोई पदाधिकारी सॉरी कोई भी नेता सिर पर टोपी नहीं लगता ना ही लाल घमशा गल में डालता और ठाकुर रामवीर सिंह जी ऐसे नेता है टोपी भी लगा रहे हैं डाल, रहे। डाल उसका और मुस्लिम के बारे में मतलब धर्म के बारे में थोड़ा बोल रहे हैं ताकि मुसलमानों को उसका वोट बहुत कुछ करवाता है भैया सियासत बहुत कुछ करवाती है और यहाँ भी सियासत बहुत कुछ करवा रही है थोड़ा सा सिनेरियो बदला हुआ है लेकिन जब तक वोट ईवीएम पर जाएगा तब तक ये सिनेरियो यूं ही बदला रहेगा या फिर कुछ और नए समीकरण बनेंगे कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र भारत समाचार कुंदर की मुरादाबाद